हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी खाने की स्वाद को दोगुना करने वाली हरी मिर्च के अचार की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। मोटी हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितना ये मिर्च ली हुई है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में दिखा दिया हुआ था। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना कलौंजी या फिर कहें मैंगरोली सीड्स लिया है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना जीरा, 1 टेबल स्पून जितना सरसों, यहाँ पर पीली सरसों मैंने ली हुई है, सूखे लाल मिर्च 5 से 6 लिया है, और इसी के साथ 1/2 टीस्पून जितना अजवाइन, 1 टेबल स्पून जितना सौंफ, 1/2 टीस्पून जितना मेथी दाना, और ये मैंने 2 बड़ा चम्मच जितना साबुत धनिया लिया है। तो चलिए फटाफट से इन सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे, और पैन गर्म हो जाने पर हम इसमें इन सारे मसालों को ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, मैंगरोली सीड्स, जीरा, अजवाइन और सरसों, इन सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इनको। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ये मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे लाल मिर्च और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इन सारी चीज़ों के साथ, और गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मसाले जो हैं रोस्ट हो चुके हैं, तो अभी हम इसको दरदरा पीस लेंगे। और ये मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है, जिसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया हुआ है। अब हम इसमें जो मसाला हमने रेडी किया था उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें नमक। यहाँ पर हम अचार बना रहे हैं, तो अचार में हमें थोड़ा ज़्यादा नमक का यूज़ करना होता है, तो ये मैंने 4 टेबल स्पून जितना नमक इसमें ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई मैंगो पाउडर। यहाँ पर इसकी जगह पर आप चाहें तो विनेगर या फिर सिरका का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको खट्टा थोड़ा देने के लिए फ्लेवर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना इसमें हल्दी पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून जितना ऑयल, जो हमने गर्म करके रखा हुआ था, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बचे हुए ऑयल को हमें रख देना है, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मिर्च के लिए मसाला रेडी कर लिया है, और इसको हम रख देंगे साइड में, और इन मिर्चों को हम बीच से कट कर लेंगे। इस मिर्च के अचार को बनाने से पहले हमें यहाँ पर अच्छे से वॉश करके इसे धूप में दिखा देना होता है। अगर हम इसे धूप में नहीं दिखाएंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, और इसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मिर्च को काट कर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसमें फटाफट से मसाले भर कर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मिर्चियों को लेना है और बीच से इसे हल्का सा फैलाकर इसमें हमें मसालों को भर देना है अच्छे से। इस मिर्च के अचार में आप जिस हिसाब से तीखा, खट्टा, नमक पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मसाला रेडी किया था उसको मैंने अच्छे से मिर्च में भर दिया हुआ है। इसी तरह सारी मिर्चियों को हम भर कर रेडी कर लेंगे। ये हरी मोटी मिर्च का अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और ख़ास करके आप इसे सर्दियों के सीज़न में बना सकते हैं, क्योंकि ये इसमें आसानी से मिल जाता है। तो इस मिर्च के अचार को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मिर्च को स्टफ्ड कर लिया है, या फिर कहें मिर्च को भरकर रेडी कर लिया है, और फटाफट से एक एयर टाइट कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हम इन मिर्चियों को रखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर मिर्च को जो है बीच से कट कर लेंगे। इसे आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं या फिर कट करके भी रख सकते हैं, मैं इसे कट कर ले रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी मिर्च को कट करके रेडी कर लिया है। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, और ये मैंने ले लिया हुआ है एयर टाइट कंटेनर। अब हम इसमें इन मिर्च के अचार को रख देंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस एयर टाइट कंटेनर में हमें हरे मिर्च के अचार को रखना है वो सूखा हुआ होना चाहिए, वरना आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। और ये बचा हुआ जो ऑयल हमने रखा हुआ था गर्म किया हुआ, इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, और ढक्कन लगाकर इसे 1 दिन के लिए हमें धूप में रख देना है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस अचार को। तो ये देखिए, खाने के स्वाद को दोगुना करने वाली बहुत ही टेस्टी मिर्च का अचार यहाँ पर बनकर रेडी है। आपको ये मिर्च का अचार कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे चैनल कुकिंग कुकिंग बाय मोहिनी से।